हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और इनसार्ट आज हम देखेंगे कि ब्लूम्सबरी इंडिया का मैटर क्या है, कंट्रोवर्सी क्या है। असल में हम इसका रूपरेखा देख लें कि ये दिल्ली बुक रेट की जो ये पब्लिश करने वाली थी द अनटोल्ड स्टोरी, तो इसको लेके कहीं ना कहीं उन्होंने मना कर दिया कि अभी पब्लिश नहीं होगी। इसके पीछे रीजन क्या रहा है ये भी देखेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, एनडीटीवी का है ये हेडलाइन है उनकी, कि ब्लूम्सबरी कैंसिल्स बुक ऑन दिल्ली रेट आफ्टर बैकलैश ओवर लॉन्च इवेंट। और यहीं पे इंडिया टीवी ने लिखा है कि ब्लूम्सबरी इंडिया विदड्रॉल पब्लिकेशन ऑफ बुक ऑन दिल्ली रेट आफ्टर सोशल मीडिया अप्रोच। तो यहाँ पे दोस्तों हम हिंदी में जानेंगे, हिंदी में हम इसकी न्यूज़ पढ़ना चाहेंगे क्योंकि आप में से सभी हिंदी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए सारा मैटर क्या रहा, ये हम टेक्स्ट पढ़ेंगे और आप इसे समझ जाएंगे आसानी से, कि दिल्ली दंगों पर किताब छापने से अब पीछे हटी ब्लूम्सबरी इंडिया, भड़के कपिल मिश्रा। अब यहाँ पे दोस्तों हम पहले रूपरेखा पहले बात कर लें। यहाँ पे होता क्या है, जितने भी राइट विंगर्स हैं, अब दिल्ली में जो अटैक दंगा हुआ था वो जब फरवरी की बात है, इन्होंने जब एक ऐसी स्पीच दिया था, तो वहाँ पे दो संप्रदायों में उसे धार्मिक रंग दे दिया गया एंड काफ़ी हिंसा हुई थी एनआरसीसीए के जब अपोज हो रहा था वहाँ पे। तो वहाँ पे सारा मैटर क्या रहता है कि ये उसके बाद अब एक बुक लिखते हैं ये सभी मिलके एंड इसे पब्लिश करने वाले होते हैं। लेकिन जब बाद में ब्लूम्सबरी को पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं इमोशन सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है, तो ऐसे में उन्होंने इसे पब्लिश करने से मना कर दिया। और जबकि पहले उन्होंने वादा किया था कि हम पब्लिश करेंगे एक मीटिंग में, वेबिनार पे, लेकिन बाद में क्या होता है उन्होंने मना कर दिया। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि ब्लूम्सबरी इंडिया ने इस साल फरवरी के दिल्ली दंगों से जुड़ी किताब प्रकाशित नहीं करने की शनिवार को घोषणा की, और ये पहले एक ऑनलाइन कार्यक्रम में आयोजन किए जाने के बाद की। और इस प्रकाशन संस्था ने शुक्रवार को उस समय व्यापक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा जब शनिवार को किताब के लोकार्पण का एक कथित विज्ञापन सामने आया और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता कपिल मिश्रा को दिखाया गया। उधर किताब प्रकाशित होने पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। तो सारा का सारा मैटर यह है इन शॉर्ट में। अब जैसा हमने देखा था कि फरवरी में ही हिंसा भड़क गई थी, काफ़ी दंगा हुआ था, 53 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज़्यादा लोग घायल थे। और यहाँ पे इसी पे ऑफिशियल एक ट्वीट आया है कपिल मिश्रा का, जो कि बीजेपी लीडर हैं, कि एक किताब से डर गए अभ्यक्त की आज़ादी के फर्जी ठेकेदार, ये किताब छप न जाए, ये किताब कोई पढ़ न ले, बोला है इन्होंने। एंड तुम्हारा ये डर किसी इस किताब की जीत है, तुम्हारा ये डर हमारी सच्चाई की जीत है। और ये उनकी एक वीडियो भी है, शॉर्ट वीडियो उन्होंने अपलोड की थी। तो सारा मामला ये है दोस्तों। अब इसमें आप क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में, मन में क्या चल रहा है, आप उसे कमेंट करिए। एंड थैंक्स फॉर गाइस।